हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उज्ज्वल श्रीवास्तव आप लोगों के बीच फिर से एक नया कंटेंट लेके आ गया हूँ। और आप लोग ये देखिए, ये गाड़ी है हुंडई की i10 और इसमें एसी वाला गैस भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये गैस इंस्टॉल होता है, इससे यहाँ से हम भरते हैं इसको। और अब ये गाड़ी स्टार्ट होगा। स्टार्ट करने के बाद ये कैसे ऑपरेट करेंगे आप देख सकते हैं। ये गैराज है। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, गाड़ियाँ बंद कर दीजिए। इसे चेक किया जाता है क्या? ये किस चीज़ के लिए है? या घर से करने के लिए? अच्छा, लाइन मीटर है। लाइन मीटर प्रेशर वेशर मारने के लिए, प्रेशर चेक करने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस, ये प्रेशर चेक करने के लिए लाइन मीटर है, जो कि हम इससे चेक करते हैं कि इसमें गैस है कि नहीं, गैस है, कोई लीकेज वगैरह है कि नहीं। क्योंकि एक बार गैस भरने के बाद अगर कोई लीक हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो आपका सारा गैस गाड़ी से निकल जाएगा और सारा आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। और इस मीटर के थ्रू ये चेक करेंगे। आप देख सकते हैं मीटर को, इसमें डायल गेज कुछ लगा हुआ है और इसके थ्रू ये चेक करेंगे। और यहाँ से ये गैस भरा जाएगा। अब हाँ, तो अब ये चेक करेंगे, लीकेज को चेक करेंगे, उसके बाद गैस को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद गैस को भरेंगे। और ये क्या है भैया? नाइट्रोजन हवा प्रेशर वाला। नाइट्रोजन है हवा प्रेशर के लिए। इसी से चेक होगा? हवा मारकर पहले इसमें हवा मारकर ये देखेंगे कि कहीं लीकेज वगैरह है कि नहीं, उसके बाद गैस को भरा जाएगा। ये देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिकली कुछ एडजस्ट यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ से कुछ कनेक्शन का सप्लाई, यहाँ कुछ सप्लाई देंगे यहाँ से ये। अच्छा, एक बार गैस इंस्टॉल मतलब भरा जाए तो कितने साल तक रहता है? दो साल तक रहता है ना होने के कारण। अगर लीक ना हो तो 2 साल रहेगा। आप देख सकते हैं गाइस, अभी हम मोतिहारी में हैं। मोतिहारी बिहार, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, चंपारण ज़िले में है। और ये गाड़ी यहीं पे अभी ऑपरेट हो रहा है, इसका सर्विसिंग हो रहा है। कुछ एसी प्रॉब्लम था तो भैया ने बोला कि इसमें गैस नहीं है, तो गैस को भरवाया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी थोड़ा नॉलेज दे दूँ, थोड़ा एसी के बारे में, एसी कहाँ से भरा जाता है और कुछ बेसिक सा नॉलेज है। और यहाँ से आपको कूलेंट आप चेंज कर सकते हो। ये कूलेंट का है, ये वाशर है, यहाँ से वाइपर का पानी डालते हैं इसको। यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर वाटर दिख रहा है। और ये बैटरी कैबिनेट है, यहाँ से बैटरी हम इंस्टॉल करते हैं। ये बैटरी कैबिनेट हो गया। जा रहा है प्रेशर जा रहा है। देखिए गाइस, प्रेशर जा रहा है क्योंकि ये मीटर बढ़ रहा है। नहीं, आप देख सकते हैं ये वाला मीटर नहीं बढ़ रहा है, इधर वाला ये गैस चेक करने वाला है। अच्छा, ये गैस का है, एयर प्रेशर है रेड वाला। आप देख सकते हैं ये प्रेशर इसके अंदर जाला जा रहा है एयर के थ्रू, जो कि नाइट्रोजन गैस का ये है। नाइट्रोजन ही है ना? अभी नाइट्रोजन हवा। देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, आप डायल गेज को देख सकते हैं। तो ये कहाँ तक जाना चाहिए? 300-250। तो वहाँ तक जाके ये चेक हो जाएगा कि इसमें लीक है कि नहीं, उसके बाद बंद करेंगे। उसके बाद बंद कर देंगे। इधर से साबुन से कान से जॉइंट चेक करेंगे कंप्रेसर का। अच्छा अच्छा, इसको चेक कीजिए, इसको चेक करेंगे।
ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है तो यहाँ से चेक हो जाएगा, यहाँ से चेक करेंगे। इसमें साबुन पानी ना, इधर कंप्रेसर है एसी का, मैं नदी गया इसको चेक करेंगे। अच्छा, कंडेंसर इधर रहता है भीतर गाड़ी के भीतर, कंडेंसर से वहाँ से चेक कीजिएगा। तो आप हमारे व्यूअर को ये बता दीजिए कि ये प्रेशर डाला जा रहा है तो प्रेशर का कारण यही है कि मतलब लीकेज ना हो, जिससे अगर गैस डाले तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा गैस उड़े नहीं, है ना। आपका नाम क्या हुआ भैया, इधर बोल दीजिए। मुन्ना शर्मा। मुन्ना शर्मा, ये मुन्ना जी हैं और मेरा गाड़ी हमेशा ये यहीं देखते हैं। एक्चुअली ये मेरा गाड़ी नहीं है, मेरे एक रिलेटिव का ये गाड़ी है, तो साथ आए हैं तो आप लोगों के बीच ये शेयर करना था तो मैं भी आ गया। मुन्ना जी शुरू से इस गाड़ी को ऑपरेट करते हैं तो हम यहाँ ही हमेशा आते हैं। क्या नाम है शॉप का, कुछ बैनर वगैरह नहीं लगा है वहाँ का, वहाँ से सब एक मोटर्स, इस सब एक मोटर्स है, आप देख सकते हो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ सब एक मोटर्स। कितना गया? 200 अभी गया है गाइस, 250 या 300 तक ले जाइएगा। आप देख सकते हैं ये प्रेशर धीरे जैसे जैसे एयर का प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये डायल गेज अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। अभी तो ये 200 पे है, आप देख सकते हैं, आप देखो। तरंगन साबुन पानी लेगा, साबुन पानी बने हुआ। अब ये 225 हो गया। देखे हैं काम करते हुए। अब ये फाइनली 250 पे 300 तक जाना है। 250 पे, 250 पे प्रॉपर चेक हो जाएगा ना, चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो 250 तक गाइस इसको ले जाते हैं, 250 पे चेक हो जाएगा कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। अगर गैस इंस्टॉल करें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आपका पैसा वेस्ट ना जाए क्योंकि लीकेज होगा तो। तो ये क्या है भैया, ये साबुन क्या चेक कर रहे हैं? लीकेज चेक कर रहे हैं, मतलब वो बबल टाइप से आएगा नहीं, मतलब जैसे मैं हवा टाइप का बुलबुला टाइप से आएगा टाइप का आएगा। देखिए ये प्रेशर डालने के बाद है ना, इसमें ये चेक कर रहे हैं जहाँ भी ये कनेक्शन जो है, यहाँ से गैस का कुछ कनेक्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ बबल टाइप से कुछ शो नहीं हो रहा है, कुछ हवा टाइप से कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है नीचे, आप देख सकते हो। देखिए गाइस, पूरा अच्छे से जरा देख लीजिएगा, और ये नीडल भी नीचे नहीं आ रहा है, तो नीडल नीचे नहीं आने का मतलब कि कोई लीकेज नहीं है आपके गाड़ी में। जो भी पाइप कनेक्शन है जहाँ से पाइप मतलब पूरा गैस ऑपरेट होता है उसमें कोई लीकेज नहीं है, नहीं तो ये नीडल अगर नीचे गिरती अपने पोजीशन से, देखिए आप 250 पे की 250 पे ही है, तो नीडल नहीं गिरने का मतलब फर्स्ट सिम्बॉल ये शो करता है कि आपके गाड़ी में कोई लीकेज नहीं है पाइप में। उसके बाद से हम साबुन सोप से देखते हैं और इसमें भी कोई बबल वगैरह नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ का, तो मतलब ये ठीक है भैया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब गैस फाइनली भराएगा, सब चेक हो गया, कोई लीकेज नहीं है पाइप में, कोई लीकेज नहीं है। ये एक गैस है, यही गैस भराएगा, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अब ये इसमें एसी का गैस भरा रहा है और गाड़ी स्टार्ट करके एसी गैस भरते हैं। देखिए मैंने बोला था ना, अब रेड वाला मीटर स्टॉप है और ब्लू वाला मीटर स्टार्ट है, ये आप नीडल को देख सकते हैं। 300 ग्राम लगाता है, 300 ग्राम लगाता है, उसमें कितना ग्राम है? 400 ग्राम आता है, 400 ग्राम का आता है। और ये मीटर कितना तक जाना चाहिए भैया? 40 तक। कितना? 40 तक। देखिए ये 40 तक जाएगा, 40 तक तो चला गया है।
देख सकते हैं गैस इसका 450 ग्राम 450 ग्राम का ये गैस आता है। भूखे देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा। शीशा खोलिए ना, शीशा कितना टाइम लगता है इसमें गैस डालने में? हाँ, गैस डालने में कितना टाइम लगेगा? गैस डालने में गैस तो 2 मिनट में चल जाता है। अच्छा, मिनट में तो जाता। मतलब कूलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब गैस चला गया। कूलिंग अब आ रहा है, कूलिंग अब आ रहा है। देखिए भैया यहाँ से चेक कर रहे हैं कि कूलिंग आ रहा है कि नहीं, गाड़ी को बंद कर कर। स्टार्टिंग है गाड़ी, अभी गाड़ी स्टार्ट में है। स्टार्ट में ही हम गैस को डालते हैं, डालते हैं और इसमें कुछ नहीं करना है, उसी तरह गैस को डाल कर मतलब चेक करके, लीकेज चेक करके गैस डाल देना, उसके बाद कूलिंग चेक कर लेना है। ये क्या कर रहा है? रेडिएटर पर कचरा भर रहा है। तो फाइनली ये गैस भर गया है और कूलिंग का अंदर देखा जा रहा है गाड़ी बंद करके कि कितना कूल हुआ है। तो आप लोगों को मैं ये गैस का ये डब्बा भी दिखाया जो कि ओजोन फ्रेंडली करके है, और तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में जिससे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।